मंदिर परिसर में है और हमारे साथ पंडित जी हैं जो इस मंदिर के पुजारी हैं। और हम जहां खड़े हुए हैं मंदिर परिसर के बीचों बीच एक स्तंभ है। इस स्तंभ के बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आप सबकी जानकारी बढ़ाने के लिए पंडित जी से जानना चाहूंगा कि पंडित जी, ये जो स्तंभ है इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि किस प्रकार का स्तंभ है और ये यहाँ पर क्यों लगाया गया। जी, ये भगवान विष्णु का गरुण स्तंभ है। गरुण भगवान विष्णु की सवारी होती है जी, इसके ऊपर भगवान विष्णु बैठते हैं जी। और ये वही गरुण स्तंभ है। इसमें गरुण स्तंभ में भगवान विष्णु के दस अवतार हैं और भी देवता इनके साथ में है। और ये प्राचीन 11वीं सदी का स्तंभ है। तो पंडित जी, ये जो स्तंभ है लगभग मंदिर के साथ ही का बना हुआ है कि बाद में बनाया गया? समय का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो स्तंभ है, इस स्तंभ में भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उन सब अवतरण के चित्र यहाँ पर अंकित हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये विष्णु का कच्छ अवतार है, जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय कच्छ अवतार लिया था। और अनेक रूप है यहाँ पर, मत्स्य अवतार है। ये मत्स्य अवतार की जहाँ तक मुझे कुछ ज्ञान है कि राजा मनु से जुड़ा हुआ है कि उनको स्नान करते हुए नदी में एक छोटी मछली मिली थी और वो मछली अवतार आगे जाके भगवान विष्णु ने ही लिया। इस प्रकार से हर एक अवतार के साथ भगवान विष्णु की अनेकों कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक कहानी के बारे में आज हमने समझा और जाना। पंडित जी, और कुछ बताना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में? ये मंदिर 11वीं सदी का है, प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु जन आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरा मानना तो ये है कि जो ये बाराह हैं ये जिंदा यज्ञ बाराह हैं, सबकी मन्नत सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं और वो मन्नत पूरी भी करते हैं। जिंदा यज्ञ से मुझे थोड़ा सा, मैं क्योंकि मुझे अल्प ज्ञान है शास्त्रों के बारे में, हम तो नहीं जानते, तो हमारे दर्शक और जो मित्र देख रहे हैं इस वीडियो को वो जानना चाहेंगे इस शब्द का अर्थ क्या है। ये जीवित प्रतिमा, जीवित प्रतिमा मतलब चैतन्य, जिसको हम कह सकते हैं कि चैतन्य है, जो भी इनसे दर्शन करता है वो अंततः सुख को प्राप्त करता है। उसमें विष्णु सहस्रनाम में लिखा हुआ है कि यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभो विष्णवे। जिनकी सुमरण मात्र से मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे ये भगवान विष्णु यहाँ पे आने के बाद जो भी कष्ट होते हैं, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानियाँ होती हैं, वो सब कष्ट परेशानियाँ यहाँ पे आने के बाद में दूर हो जाती हैं। पंडित जी ने जैसा हमें बताया और हमने भी दर्शन किए, दोस्तों से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए, भगवान विष्णु का वराह रूप में दर्शन करें और अपने जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, आपके जीवन में जो भी चिंताएं हैं, आप उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी ये चिंताएं दूर करें। हम अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहते हैं आप तक कि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें जितने भी देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, उनसे यदि हम प्रार्थना करें, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं तो वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। जाने अनजाने जो हमसे गलतियां होती हैं उनसे हम क्षमा मांग सकते हैं और हम इस तरह की यात्राएं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको उन प्रतिमाओं, उन मंदिर और अपने धर्म शास्त्र के बारे में जानकारी दे सकें। पंडित जी ने जो मंत्र बताया, जो पाठ किया, आज हम जिस जनरेशन में हैं वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम सिर्फ दर्शन करके लाभ उठा सकते हैं। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं और मेरे साथी मोटा भाई वैब दोनों इस तरह की यात्राएं आपके लिए करते रहेंगे। नमस्कार।